गया अनुप जी अभी ने भजन गाने गया अनुप जी हाँ अभी आप बेगायन गाने Yeah.
अभी कोई यहाँ से क्लिक करा, कोई यहाँ से क्लिक करा, मेरे को लगा अभी ज्योति वेंकटेश कौन क्लिक करेगा यार, मेरे को लगा ज्योति वेंकटेश कौन अब मैंने क्या बढ़िया मूवी का। अच्छा ये जो अभी एकदम ऊपर है ना वो बीमार है, तीसरी वाली ऊपर वाली एकदम। हाँ रिंकी भट्टाचार्य विमल रही रिंकी उनका फोटो क्लिक करना था। हाँ तेरा नाम
चप्पल वाप Thank you.
बैग वाला हो Thank you.
अरे सर तू ए भाई तू साइड में ए भाई ए तू साइड में हो जा ए भाई तू साइड में हो जा अनु सर 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 अनु सर एक साथ में आजी बराबर है आभारी हैं कि इस दुख की घड़ी में आप सब ने शोक की पीड़ा के इस मोमेंट में आपने हमारी सिस्टर के प्रति संवेदना व्यक्त की, उनका साथ दिया, बहुत आभारी हैं। सीमा जी, आप कुछ कहना चाहें? पुलिस तो आती हैं, मीडिया के कुछ लोग हैं जिनको इस तरह की थ्योरी रचने का काम है। आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल इस तरह की ट्रेजिडी होती है, हाई प्रोफाइल जिसे केस कहा जाता है, तो हमारी पुलिस जो है बहुत एफिशिएंट है उस काम को सॉल्व करने के अंदर। हाई का तो जो भी है वो सब मसला सामने आ जाएगा, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो अपना काम करेंगी और सामने आ जाएगा जो सच्चाई होगी। तो उन थ्योरीज के ऊपर बेस करके किसी भी तरह की बात कहना, चर्चा करना मुझे लगता है व्यर्थ होगा। आप लोगों में कोई शंका है किसी तरह की फाउल प्ले? शंका कोई इस तरह की है नहीं, हमारे मन में तो नहीं है। किसी के मन में हो तो वो आप तक पहुंचाएं, वो अलग बात है। हमें तो ये सोचने का समय भी नहीं है कि शंका करें या ना करें। हमारी बहन जिस दुख से अभी नहीं गुजरी है, हमारी बहन न जाने कितने साल से इस दुख पीड़ा से गुजर रही है, और उस दुख पीड़ा से गुजरते हुए उसने दिवंगत आत्मा का साथ दिया जो शारीरिक रूप से बहुत फ्रजाइल थे, उसके बाद भी दुख की घड़ी में उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। तो अभी वो सिंक कर रही है, उसके पास, हमारे पास ये समय नहीं है सोचने का कि क्या थ्योरी है। हमें तो इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है हमारी बहन को इस कष्ट से उबारने का, उस कष्ट से जो है वो शक्ति उसको मिले। हमारे पास ये सब थ्योरी नहीं है, सीधे सीधे चलने वाले हम लोग हैं। कलाकार परिवार है, हमारे परिवार को कला के प्रति समर्पित हैं, देश के प्रति समर्पित हैं। जो भी काम किया है हमारे बड़े ब्रदर ने, रंगमंच के प्रति समर्पित हैं। सीधे सीधे चलने वाले, सीधी सिंपल सी फैक्ट्री है। हम ना तो इतने बहुत हैं कि कोई बड़ा नेता हमारे यहाँ खाना खाने आए, और ना ही इतने ऊपर हैं कि हमारे दुखों में या हमारे घर में अगर कोई उत्सव हो तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। हम तो अति साधारण से भारतीय लोग हैं, कलाकार परिवार है। हमारा
दुख की घड़ी में आपने हमारा साथ दिया, हमारे सिस्टर का आपने साथ दिया, वो जेन्युइन है, वो सफरर है, उसका लॉस सबसे बड़ा लॉस है, मैं इतना कह सकता हूँ बस। जी उसके बारे में कुछ कहना चाहिए। अभी वो फिल्म एडिट इन्होंने किया है, काम चल रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, रिलीज के ऊपर है, तो जाहिर है कि जब पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे जब मैं वो देखूंगा सीन, तो इट विल हिट मी वेरी बैडली कि मुझे मालूम नहीं था कि ये लास्ट सीन मैं श्री ओमपुरी के साथ कर रहा हूँ। वो क्या बोल पाएगी, थैंक यू वेरी मच, बहुत आभारी हैं, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बोटला बोटला।